Hello everyone, kaise hain aap sab? So my name is Ankur Agarwal and uh, I'm basically teaching the sociology since last uh, 14 years. And uh, today basically I will be bringing one of the video on how to link the paper 1 of the sociology with the paper 2. Now as the UPSC is changing their demand very frequently. So we need to understand that how the sociology paper 1 and the paper 2 need to be studied by linking each other. If you are reading the sociology exclusively only the paper 1 and then only the paper 2, it might have worked in the 1990s examinations. But at this point of time, this will not going to become relevant. Okay. तो हम जो है यहाँ पे मैंने इसको जो है टोटल आठ जो है यहाँ पे स्लॉट्स में डिवाइड किया है कि किस किस चीज को जो है यहाँ पे आपको पेपर वन और पेपर टू में कहाँ पे किन किन चीजों को पढ़ना चाहिए और वो आठ स्लॉट से जो है आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि कैसे जो है यहाँ पे हमारे को चीजों को अंडरस्टैंड करना है ठीक है सो नाउ लेट स्टार्ट दिस थिंग इसके अलावा uh, 2022, uh, students, जो है यहाँ पे वी विल बी स्टार्टिंग फॉर द ट्वेंटी स्टूडेंट्स जो बाईस में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम जो है यहाँ पे आंसर राइटिंग सेशन जो है फोर्टीन नवंबर से स्टार्ट करने वाले हैं सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड फॉर द ऑफलाइन और द ऑनलाइन दे कैन एनरोल इट थ्रू द आई एस हब द लिंक दे विल गोइंग टू मैं इट एंड यू कैन ज्वाइन देम राइट नाउ लेट स्टार्ट दिस थिंग नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ लेट सी इफ यूल गोइंग टू ऑब्जर्व द रिसेंट ट्रेंड विच इज गोइंग इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन यूजुअली द क्वेश्चन पेपर वन एंड द टू अब कोई बहुत ज्यादा जो है यहां पर डिवीजन नहीं दिखता और धीरे धीरे जो है ब्लड हो जाता है डिविजन ठीक है जैसे एग्जाम्पल दो हजार चौदह में जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था एप्लीकेशन ऑफ द मर्टन डेवियंस टू द ट्रैफिक प्रॉब्लम इन इंडिया नाउ अब रॉबर्ट किंग मर्टन इज बेसिकली थिंकर इन अवर पेपर वन एंड द ट्रैफिक प्रॉब्लम इज देयर इन द पेपर टू

पेपर वन में क्वेश्चन पूछा गया और सोशल चेंज हमारा यूनिट टेन में है लेकिन यूपीएससी ने क्लियरली कह दिया इलेस्ट्रेट फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी सिचुएशन ऑफ इंडिया नाउ यू हैव थॉट दिस थिंग कि पेपर टू का जो यहां पे क्वेश्चन है पेपर वन में क्यों पूछा जा रहा है बिकॉज द सोशल चेंज इज देयर इन द पेपर वन ऑल्सो एंड इन पेपर टू ऑल्सो दस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक आंसर जो है यहां पे सोशियोलॉजी में गुड किसको कहते हैं ठीक है नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो है यहां पे राइटिंग स्टाइल और जो की वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सोशोलॉजी में वेन वी टॉक अबाउट द की वर्ड वी एक्चुअली टॉक अबाउट द सोशोलॉजिकल की ठीक है एंड दर आंसर शुड बी वेरी सिंपल एंड बाउंट्रीफुल अब मैं बाउंट्रीफुल से क्या मतलब है यहां पे जो है आपको जो है बहुत एक्सटेंसिवली यू शुड यूज एक्सटेंसिवली द व्यूज ऑफ द थिंकर्स केस स्टडीज बुक नेम्स एटसेट्रा हर आंसर में जो है यहां पे आपको दो से तीन थिंकर्स जो है यहां पे कम से कम पता होने चाहिए और जब आप केस स्टडी मेंशन कर रहे हो केस स्टडी का जो है यहां पे केवल ये नहीं सर ने कहा केस स्टडी मेंशन करनी हमने कर दी केस स्टडी क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है यहां पे रेलेवेंट होनी चाहिए सो इन सोशोलॉजी योर व्यूज शुड बी ओपिनियन ऑफ द थिंकर्स एंड द सोशोलॉजिस्ट अगर यार एक जनरल फ्रेम में लिख रहे हो तो तो जनरल स्टडीज वाला बच्चा भी लिख सकता है एग्जामिनर आपको सोशोलॉजी में मार्क्स क्यों देगा ठीक है दस आंसर नीड टू बी वेरी क्रेडिबल इन स्कोरिंग एंड दैट फाइ आई ऑलवेज बिलीव कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपके आंसर्स में होना चाहिए वी से सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो सकता है आपको किसी सोशियोलॉजिस्ट का नाम ना याद आ रहा हो लेकिन आपको perspectives तो पता है दैट इज अ फंक्शनल पर्सपेक्टिव मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव प्लीज डू मैंशन दोज पर्सपेक्टिव इन योर आंसर राइट एंड एज ए सेड यू शुड नॉट एड द केस स्टडी फॉर द सेक ऑफ एडिंग ओनली कि जी कुछ भी जो है यहां पर डाल दो कोई भी केस स्टडी नहीं लेट से हमने अभी पूछा कि क्वेश्चन ऑन कि इवन आफ्टर एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी वाई द दलित प्रॉब्लम इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन इंडिया एनालाइज इट सोशियोलॉजिकली। नाउ रिसेंटली वॉट हैज हैपन्ड ओनली गुजरात में जो है यहां पे एक दलित फैमिली टेम्पल में जाती है उनको ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव पीपल जो है यहां पे बहुत मारते हैं यहां पे नो ये केस स्टडी उस क्वेश्चन के साथ रेलिवेंट बैठती है इसीलिए टॉपिक जो है यहां पे उसके अकॉर्डिंग जो है यहां पे चीजें होनी बहुत जरूरी है एंड दैट्स वाई दे शुड बी रेलिवेंट टू द आंसर्स जैसे अगर मान लीजिए आप बॉलीवुड मूवीज हैं मैंने अब उसको कैसे लिंक किया है बॉलीवुड मूवीज में जो है एक अच्छे गाने की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कई बार जो है यहां पे एक गाना ही जो है यहां पे पूरी पिक्चर को हिट कर जाता है इसी तरीके से कई बार यहां पे मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी होती है गाने बिल्कुल बेकार होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे क्या करने लग गए यहां पर जो है प्रोड्यूसर्स एक जो है यहां पे ऐसा गाना जो है बना लेते हैं और वो पूरी मूवी के एंड में दिखाते हैं अब ऑडियंस जो है उस गाने के दम पे जो है उस मूवी को देखने आ रही है इसी तरीके से अगर आपने जो है यहां पे कोई बहुत अच्छी केस स्टडी मेंशन करी है एग्जामिनर उस केस स्टडी के जो है यहां पर बेसिस पे ही जो है आपके पूरे आंसर को एनालाइज करके आपको मार्क्स देता है राइट right? देन एट द सेम टाइम इफ यू विल गोइंग टू सी दिस थिंग अब पेपर वन को पेपर टू से हम लिंक कैसे करें सबसे पहले तो जो है आपको यह चीज समझनी पड़ेगी जब भी आप अपने नोट्स बनाते हैं वो जो आप नोट्स बनाएंगे पेपर वन के सेपरेट और पेपर टू के सेपरेट करके मत बनाइए जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैंने जो है यहां पे पूरे यहां पे सिलेबस को आठ स्लॉट्स में पे डिवाइड किया है जिससे आपके सब्जेक्ट पे आपका कंट्रोल अच्छे से बन जाए ठेके? और जब आप बनाएं, तो के से बनाएंगे तो आपको राइट पर्सनली कैटेगराइज द एट स्लॉट्स और ये जो है पे, आपके पेपर वन और पेपर टू को इंटरलिंक करेंगे नाउ लेट सी दिस थिंग सबसे पहले जो है यहां पे स्लॉट वन इन द स्लॉट वन वॉट आई हैव डन इस दिस इज माई यूनिट वन यूनिट टू यूनिट थ्री सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन ठीक है अब इसमें जो है यहां पर क्या होगा सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन और सोशोलॉजी एज ए साइंस दोनों का लिंक है अगर हम यूनिट वन में जो है ये कह रहे हैं इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी केम बिकॉज ऑफ द रैशनल परस्पेक्टिव विच इमर्ज इन द यूरोप

डाटा इकट्ठा करने के लिए हम कोई टूल या टेक्निक यूज करेंगे नाउ दैट विल बी इन द यूनिट थ्री अब ये जो है यूनिट वन यूनिट टू यूनिट थ्री ये बेसिकली हमारे लिए सोशोलॉजी की एक बेसिक नॉलेज जो है यहां पे बनाते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे डू नॉट हैव द बैकग्राउंड इन द सोशोलॉजी इसीलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट की जो है यहां पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है अदरवाइज हमारा को समझ नहीं आता कि सर हम सोशोलॉजी में पढ़ क्या रहे हैं ठीक है जैसे ही आपने जो यहां पर वन टू थ्री को लिंक करके पढ़ लिया उसके बाद जो भी आगे सब्सिक्वेंट टॉपिक्स आएंगे आपके लिए इजी बन जाते हैं राइट लाइकवाइज पेपर टू अब ये क्या है स्टैटिक पोर्शन है भाई पेपर वन के ये तीन पोर्शन स्टैटिक हो गए आप एग्जाम्पल डायनामिक डाल सकते हैं कोई इशू नहीं है राइट इसी तरीके से पेपर टू में हमारे ये तीनों थिंकर्स हैं जीएस घूरिये है, एम एन श्रीनिवास ए अब अगर हम देखेंगे इन थिंकर्स ने कास्ट सिस्टम पे बहुत ज्यादा वर्क किया है तो हम जो है यहां पे इनको कास्ट को क्लब किसके साथ कर सकते हैं स्ट्रेटिफिकेशन के साथ और मोबिलिटी के साथ ठीक है चाहे वो पेपर वन में आए चाहे वो पेपर टू में आए राइट right? तो घूरे का बुक व्यू श्रीनिवास का फील्ड व्यू देसाई का मार्क्सिस्ट व्यू ये जो है यहां पे आप ऐसे यूज कर सकते हैं तो जब आप स्टडी करें ये आपका स्लॉट वन के नोट्स अलग बनने चाहिए ठीक है देन दीज आर द थिंग्स इंपैक्ट ऑफ द कॉलोनियल लूज ऑन द इंडियन सोसाइटी अब ये पूरे का पूरा अगर हम देखेंगे इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है हिस्टोरिकल डायमेंशन के साथ साथ जो है जो सोशोलॉजिकल डिस्कोर्स है उसको हम जो यहां पे ऐड करके आप इसके नोट्स को ऐसे बनाएंगे एट द सेम टाइम नाउ द ट्राइबल कॉम्युनिटीज इन इंडिया ठीक है अब ट्राइबल कॉम्युनिटीज जो है यहां पर अगर हम देखेंगे इसको हम दो जगह पे लिंक करेंगे एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के साथ और एक जो है यहां पे कॉलोनियल रूल के साथ तो ये स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पर्सपेक्टिव से आएगा टॉपिक एंड इफ यू विल गोइंग टू सी इन द पेपर टू मेनी एट टाइम्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन द ट्राइबल कम्युनिटी पेपर वन में एथनिक स्ट्रेटिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से दे कैन आस्क फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटीज ठीक है देन देर इज द पॉपुलेशन डायनेमिक्स नाउ यूजली फ्रॉम दिस क्वेश्चन या फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव

Sociologically analyze the migration which has taken during the time of the COVID. Right? Now, in this, obviously, you might not going to have the so many scholars who have done the work till now. But you do have the perspectives. And these perspectives need to be understood. Okay, so this is the thing. Then the emerging issue of aging pe question. डे बाई डे द एजिंग इज बिकमिंग अ कंसर्न फॉर इंडिया ऑल्सो एंड वेन यू आर गोइंग टू गिव द केस स्टडीज फॉर दैट आप जापान का केस स्टडीज दे सकते हो कि जापान में कैसे जो है वो एजिंग के कारण जो है यहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ देते थे बैंकों ने अब क्या किया कि जिसको भी जो है यहां पर क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं उसके क्रेडिट स्कोर को जो है यहां पर इस चीज से लिंक कर दिया कि आप अपने पेरेंट्स की कितनी जो है यहां पर देखभाल करते हो ठीक है देन एनदर विल बी द स्लॉट टू अब जब आपने जो है यहां पर स्लॉट वन के थिंकर्स बना लिए जैसे मैंने कहा कि वो ज्यादातर जो है यहां पर डायनेमिक आस्पेक्ट आएंगे तो वो एक स्लॉट वन आप थिंकर बना लीजिए कि मैंने जो है यहां पर बना लिया इसमें -इस जो यहां पर मैं इन इन स्कॉलर्स को मैंशन करूंगा डू रिमेंबर हर टॉपिक में जो है यहां पे आप तीन से चार जो है यहां पर कम से कम स्कॉलर्स का व्यू पॉइंट जो है यहां पे जरूर ऐड कीजिए इट विल बी गुड फॉर योर आंसर्स ठीक है देन दे इज अ सोशोलॉजिकल थिंकर्स ये अपने आप में पूरा एक सेगमेंट है आपने हर क्लास में इंस्टीट्यूट में सबसे सुना होगा दीज आर द बैकबोन ऑफ यूपीएससी लेकिन इफ यू आर बेसिकली रेफरिंग मल्टीपल पर नोट्स भी पढ़ रहे हो ठीक है आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप किसी को भी पढ़ो लेकिन एक को पढ़ो रीजन बींग क्या होता है एक सबका लैंग्वेज का स्टाइल अलग हो जाता है और मल्टीपल चीजें पढ़ने से जो है यहां पर आप हमेशा मैं वो भी लिख दू मैं ये भी लिख दूर <clears throat> neither you are able to justify one book perspective nor you are able to justify the another book perspective. so whatever the source for the thinker you are basically taking, please take only one. and try to revise them again and again. the more you will go into revise the sociology, much better your understanding will go into be there. right. at the same time, always remember, कई बार बच्चे जो है यहां पे कंसेप्ट तो पढ़ जाते हैं लेकिन स्कॉलर्स की जो है यहां पे लाइफ ऑफ द थिंकर्स नहीं पढ़ते नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा आई ऑलवेज टेल इन द क्लास कि जब भी जो है यहां पे थिंकर के परस्पेक्टिव को पढ़ रहे हो तो ये चीज बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए थिंकर ने जो है यहां पे कब लिखा था उस टाइम पे जो है यहां पे उनकी सोसाइटी में क्या हो रहा था और किस बेसिस पे जो है यहां पे उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई है ठीक है एट द सेम टाइम फॉर एग्जाम्पल वेन यू आर रीडिंग दरखाइम सुसाइड नाउ उसको आप इंडिया में कैसे जोड़ सकते हैं फार्मर सुसाइड के साथ कोटा में बच्चे जो है यहां पर सुसाइड जो कर रहे हैं सो लिंक द थिंकर्स विद योर पेपर टू जैसे अगर अभी हम देखें सोशोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ मीटू मूवमेंट अब मीटू मूवमेंट है तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी आएगा दे विल बी द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड द फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑल्सो लेकिन जब आप वो मैंशन कर रहे हैं देन हियर वॉट यू कैन टॉक अबाउट इन द मी टू मूवमेंट यू कैन टॉक अबाउट दैट दिस इज अ सोशल फैक्ट राइट सेक्शुअल हसबेंड एट वर्क प्लेस इज गोइंग ऑन देन एट द सेम टाइम There will be the radical perspective between the patriarchy and the metriarchy. Okay, so slot two, it is totally dedicated to your thinker's perspective. Then comes the slot three. Now, slot three will go into have your social stratification, caste system, tribal communities, and the class. Okay. So one is the tribal community I said key you will going to make it from the static perspective. Another is the tribal community you will going to make it from the stratification perspective. Because in the stratification if you will go into see, we have been very clearly mentioned the ethnicity and the race. Now within this perspective, UPSC can ask the tribe in the paper one also. कास्ट तो जो है यहां पे अभी तक वो बहुत बार पूछ ही चुका है आप लोगों ने कहीं जो है यहां पे क्वेश्चन देखे होंगे ठीक है जब हम सोशल मोबिलिटी में भी ओपन एंड क्लोज सिस्टम देखते हैं तो हेयर द क्लास एंड द कास्ट कम्स राइट एंड दिस टॉपिक इज वेरी डायनेमिक इन नेचर नॉट ओनली द थ्योरीज ऑफ द सोशल स्टर्टिफिकेशन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द पेपर टू परसपेक्टिव बट Here they can ask your viewpoint also. That do you think that India can have the casteless society ever? Illustrate your view with respect to the modern society. Now, when you will going to talk about, as I said, Ghudye, Dumont, Dumond, Anvebete, although they are in the paper too. बट यू कैन यूज इन योर पेपर वन ऑल्सो इसी तरीके से मान लीजिए दरखाईम है पेपर वन में लेकिन अगर आपको लगता है तो आप उसका पेपर टू में भी जो यहां पर यूज कर सकते हैं ठीक है देन ट्राइबल कम्युनिटीज में जो यहां पर स्पेशली द इश्यूज ऑफ द इंटीग्रेशन एंड द ऑटोनॉमी ये जो यहां पर एथनिसिटी के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा जो है यहां पर पूछा जाता है ठीक है सो इफ यू विल गोइंग टू सी एंड लाइक वाइज द क्लास क्लास इज द ओपन सिस्टम नाउ इफ यू विल गोइंग टू सी दिस हैपनिंग ये जितने भी टॉपिक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट क्लास या ट्राइब जो है यहां पे, ये सारे के सारे जो है यहां पे रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। अगर पेपर वन आपको थियोरिटिकल बैकग्राउंड देता है तो पेपर टू जो है यहां पे आपको डायनेमिक बैकग्राउंड देता है राइट दिस दिंग तो एथनिसिटी एक ऐसा डायमेंशन है जो stratification में मेंशन है वो ट्राइबल कम्युनिटीज को लेके क्लब करके आप अपने आंसर को लिख सकते हैं तो so, इनका जो यहां पे ये हो गया हमारा जो यहां पे नेक्स्ट स्लॉट जिसको आप अलग से आपको इसके नोट्स बनाने चाहिए देन वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नाउ वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ इज अवर यूनिट सिक्स ठीक है अब इसको हम क्यों जोड़ते हैं अगर आप देखेंगे इंडिया में 93% परसेंट के आसपास जो यहां पे वर्क हो रहा है दैट इज अंडर द इनफॉर्मल सेक्टर और इंडिया में जो है यहां पे मैक्सिमम जो है यहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है यहां पे एंप्लॉयमेंट है राइट right? और वो भी इनफॉर्मल सेक्टर है नाउ यू विल इन टू लिंक द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद द एग्रेजियन ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है At the same time, what are the programs which they have given it? Green revolution changes mode of production. Um, now, this changing mode of production, it will going to be from the dynamic perspective. Okay, problem of rural labor, bondage, migration. Now, if you will go into see, migration is under the population also and also in the rural and agrarian structure. But here it is asking from the agrarian perspective, the migration, not the general perspective. Thus, what you will going to talk about? Here you can add the case studies. Now, these case studies you can take it from the EPW magazine also. You can take it from the newspapers also. But again, I am saying it should be relevant according to the topic. ऐसा नहीं है यहां पे जो है आपने कोई भी केस स्टडी डाल दी किसी भी जो है यहां पे टॉपिक के अंदर एट द सेम टाइम देन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन अब ये देखिए यहां पे इनफॉर्मल सेक्टर आ गया नाउ दिस इनफॉर्मल सेक्टर लिंक इट विद हेयर सो वेन यू आर मेकिंग द नोट ट्राई टू मेक स्लॉट फोर फॉर योर वर्क इकोनॉमिक लाइफ एंड द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इनके जो यहां पे नोट आप एक जगह पे कंपाइल करिए ठीक है और जब मैं बोलता हूं कंपाइल करने हैं नोट्स बहुत लेंदी नहीं होने चाहिए था आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आप हर टॉपिक पे एक एक पेज का नोट बना दें. तो मान लीजिए जब आपकी रिवीजन हो रही है लेट से आपके पास 70 टू 80 पेजेस के जो यहां एक नोट्स बन गए लेकिन वो बहुत आपके कंसाइंस और जो यहां पे क्रिस्प नोट्स होंगे जिसको आपने गो थ्रू किया आपको हर नोट्स के अंदर जो यहां होंगे, स्कॉलर्स के नाम पता होंगे केस स्टडीज पता होंगे राइट दैट विल गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल टू यू देन दिस इज दॉट फाइव अ पॉलिटिकल एंड सोसाइटी दोनों इंडियन पर्सपेक्टिव, एज वेल एज फ्रॉम द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव अब देखो इसमें बड़े मजे की बात जो है यहां पे मैं आपको बाद में एक चीज दिखाऊंगा अगर आप देखो हमारे यहां पे पेपर टू में सेक्लोराइजेशन पॉलिटिक्स के अंदर दे रखा है जबकि पेपर वन में सेक्लोराइजेशन जो है यहां पे रिलीजन के अंदर दे रखा है ना कोई तो कारण होगा ठीक है तो आप जो है यहां पे अगर हम यहां पे हम नेशन स्टेट सिटीजनशिप डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो इधर भी जो है यहां पे हम जो है नेशन डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं लेकिन ये आप इंडियन पर्सपेक्टिव से मेंशन करोगे और यहां पे इन दोनों के जो यहां पर नोट आप क्लब करके बनाइए और जो आप जो है यहां पर थिंकर्स लिखेंगे मैंशन बोथ थिंकर्स व्यू पॉइंट्स इन दोनों के पर्सपेक्टिव को जो है यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं ठीक है देन रिलीजन एंड द सोसाइटी ये आपका सिक्स लॉट बनना चाहिए इसके जो है यहां पे नोट्स आप जो है यहां पे एक जगह पे बनाएंगे अब मैंने आपको क्या कहा था यहां पे? मैंने आपको कहा था कि अगर आप देखोगे पॉलिटिक्स में जो है यहां पे सेक्युलराइजेशन दे रखा है पेपर वन में लेकिन पेपर टू में जो है यहां पे वो रिलीजन इन सोसाइटी में तो नहीं दे रखा ठीक है हमारे यहां पे जो है पेपर वन में रिलीजन सोसाइटी में दे रखा है और यूपीएससी में पेपर टू में जो पॉलिटिक्स के अंदर दे रखा है सेक्युलराइजेशन अब क्यों क्योंकि इट इज मैंशन अंडर द रिलीजियस एंड सोसाइटी इन पेपर वन बट अंडर द पोलिटिक्स एंड सोसाइटी इन पेपर टू वाई नॉ दिस इज अ थिंग इंडियन परस्पेक्टिव में हमारी पॉलिटी या गवर्नेंस इंक्लूड की जाती है रिलीजियस परस्पेक्टिव से तो इसीलिए इट इज नॉट द रिलीजियस अफेयर राइट और वहीं पे जो है यहां पर हमारी कंट्री में क्या होता है सारे रिलीजियंस को इक्वल ट्वीट करना है और उसके लिए जो है यहां पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना दी है वो पार्लियामेंट बना दी है दैट्स वाई इट कम्स अंडर द पॉलिटिक्स एंड द सोसाइटी जबकि वेस्टर्न सोसाइटी में स्टेट और जो है यहां पे रिलीजियस अफेयर्स दोनों अलग अलग हैं ठीक है इसीलिए जो है वहां पे वेस्टर्न सोसाइटी का सेक्युलराइजेशन का पर्सपेक्टिव इंडियन सोसाइटी के सेक्राइजेशन के पर्सपेक्टिव से अलग है इसीलिए दोनों सिलेबस में ये फर्क आता है तो जब आप जो है यहां पे बनाएंगे तो ये मेरा सिक्स लॉट है इसमें आप केवल रीजन को लेके पेपर वन और पेपर टू के नोट्स को कंबाइंड बनाइए देन फैमिली मैरिज किनशिप ठीक है अब बहुत सारे टॉपिक जो है यहां पर सेम रहेंगे यहां पर इफ यू विल गोइंग टू सी कंटेम्प्रेरी ट्रेंड जो है यहां पर इधर हो जाए चाहे जो हमारे इधर आ जाए ठीक है फैमिली हाउस होल्ड को लेके अब जैसे हाउस होल्ड पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पेपर वन में भी पूछा था पेपर टू में भी वो भी सेम ईयर में बट इन द पेपर वन इफ दे आर आस्किंग इट डज नॉट मीन कि आप पेपर टू का कंटेंट नहीं डाल सकते हमारे यहां पे भी हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली इंडिया में रिसेंटली यह इंक्रीज हुआ है वेस्टर्न सोसाइटी में पहले से चल रहा है तो जैसे जैसे जो है यहां पर अब हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है नाउ इरावती कार्वे मिल्टन सिंगर वो कहते क्या वाक्य में ही जो है यहां पे इंडिया में न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है या ये जो है यहां पे एक साइकिल है ज्वाइंट से न्यूक्लियर न्यूक्लियर से ज्वाइंट का सो डू मेक योर नोट्स लाइक दिस टॉपिक लिया उसी टॉपिक पे जो है यहां पे एट द सेम टाइम दोनों पेपर्स का उठाया अपने नोट्स बनाए ये टाइम सेव भी करता है आपके पास जो है यहां पे बहुत क्रिस्प और नोट्स कंसाइज

सबसे बड़ी बात यह है ये वाली जो थीम है यह थीम जो है यहां पे सबसे ज्यादा डायनामिक है राइट दिस थिंग सो ऑल दीज कंसेप्ट डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट यार ये न्यूज़पेपर से आपके बहुत कवर होंगे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया कॉमनलिज्म रिलीजियलिज्म ठीक है रिलीजियस रिवाइवलिज्म ये सबसे ज्यादा जो है यहां पे आपके इश्यूज रहेंगे इसीलिए इनको जो है यहां पे आप ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए वो आपके लिए जो है यहां पे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट रहेंगे राइट तो इस तरीके से पेपर वन और पेपर टू की आप लिंकिंग करके अपने नोट्स को साइड में बनाइए हो सकता है इंस्टीट्यूट अलग अलग पढ़ाएं लेकिन जब आप जो है यहां पे अपने नोट्स बनाए सेल्फ के तो उसको क्लब करके इस तरीके से बनाइएगा क्लियर राइट दस इन नट सेल वॉट वी कैन से अगर जो है यहां पे आप इनको इस तरीके से आठ स्लॉट्स में डिवाइड करके अपने पूरे नोट्स को जो है पे बना लेते हैं तो आप जो है पे के के भी आंसर दे पाएंगे ठीक है और आज टाइम पे जितने भी पेड क्वेश्चन टू का लिंकेज बहुत जरूरी है मैंने आपको जैसे दोनों जो है यहां पे बता दिए मर्टन का भी एग्जाम्पल दे दिया सोशल चेंज का भी दे दिया ठीक है तो कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज ऑफ यूपीएससी सिलेबस के लिए जो है आज के टाइम में बहुत जरूरी है कि यूपीएससी हमसे माइंड गेम खेलवा है कि बच्चा जो है यहां पे कितना कनेक्ट कर पा रहा है ये देखते हैं और मैक्सिमम टाइम बच्चा ना ये मिस्टेक करता है यार मैं सोशियोलॉजी का पेपर वन दे रहा हूं पेपर टू की रिवीजन में बाद में करूंगा बीच में ब्रेक तो मिलेगी डोंट डू दिस थिंग ठीक है यहां पे जो है तो चाहे वो थिंकर्स हो पॉपुलेशन डायनेमिक्स हो यहां पे सारे इंपॉर्टेंट है अच्छा एक और चीज बड़े मजे की है पहले के टाइम पे क्या होता था मैक्सिमम स्टूडेंट जो है केवल थिंकर्स पर्सपेक्टिव को पढ़ जाते थे ज्यादा से ज्यादा और कहते थे यार हम ये वाला यूनिट छोड़ जाएंगे यूपीएससी आपसे ज्यादा स्मार्ट हो रहा है यूनिट फाइव तक भी जो जो है है पे पे में भी वो थ्योरीज की जगह एथनिसिटी जेंडर पर्सपेक्टिव पेटल सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर इन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है और जिनको आप ये सोचते हो यार ये तो कम इंपॉर्टेंस वाले हैं यूपीएससी के लिए तो सब कुछ इक्वल है तो आज वो पॉपुलेशन डायनेमिक्स पे पूछ सकता है माइग्रेशन चाइल्ड लेबर बॉन्डेड लेबर किसी भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्योंकि उसके लिए तो इक्वल मार्क्स कैरी हैं ठीक है सो नेवर बेसिकली स्किप एनी टॉपिक ट्राई टू लिंक ऑल द टॉपिक्स एंड मेक योर नोट्स अकॉर्डिंग टू दीज एट लॉट्स एंड लास्टली आई विल ऑलवेज गोइंग टू से अगर आपने बहुत डेप्थ में जाके यहां पर प्रिपरेशन करी है तो जो है यहां पर आपको कभी भी आप देख लीजिएगा आप पेपर टू में अप्लाइड थ्योरीज दे सकते हैं और इसीलिए रीडिंग ऑफ द टू टॉपिक्स दैट इज पेपर पेपर एंड इट ऑलवेज गिव्स यू एन एडवांटेज राइट सो आई होप सो यहां पे जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा तो जो भी आपको जो है यहां पे कोई और डिटेल जाननी हो या हम कैसे करेंगे सो यू कैन आस्क इन द इंस्टीट्यूट एंड द लिंक दे विल गोइंग टू गिव इट राइट थैंक यू सो मच